इसको, लेकिन जब 3 दिन बाद मीटिंग हुई तो उन्होंने हाँ कर दी, जो भी वजूहत थी उनकी मर्जी थी। तो ये भी डॉक्यूमेंटेड है, वो सीसीआई की मिनट्स हैं, पहली मीटिंग में उन्होंने अपोज किया और 3 दिन बाद मीटिंग में उन्होंने हाँ किया, जबकि उनके साथ भी मेरा ख्याल है ज्यादती हुई थी। और खैबर पख्तूनख्वा की ग्रोथ है 1.93%, तो 1.93% खैबर पख्तूनख्वा, 1.94% आपकी पंजाब, और हमारे नंबर्स लोगे तो 2.02% बनती है, सिर्फ कोई खास डिफरेंस नहीं है जिस पे आपने इतना वावेला मचा दिया उठा के। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन भी अपने हिसाब से कैलकुलेट की है, सॉरी कौन सी, देखिए ये बता रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि जी पंजाब की ग्रोथ हुई है 1.94%, यार ये नंबर मेरे से, हाँ ये है ना, केपीके की ग्रोथ हुई है 1.93%, सिंध की ग्रोथ हुई है 3.17%, और केपीके की ग्रोथ हुई है 1.93%, सॉरी ये तो बता दी मैंने, बलूचिस्तान की हुई है 9.93% और इस्लामाबाद की भी हुई है 2.71%। और मैंने जब अपने नंबर्स, जो मैं कह रहा हूँ कि 2017 को भी आप दुरुस्त करें और फिर 2023 को भी दुरुस्त करें, तो सिंध की ग्रोथ है 2.02%, जो कि सही है, बाकी सबसे इन लाइन है, और बलूचिस्तान की भी इसलिए 9.93 ज़्यादा नज़र आ रही है बिकॉज 2017 में उनको कम गिना गया था, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, और बलूचिस्तान ने कई फोरम्स पे इसका इजहार किया है। तो ये इसके साथ साथ मैंने अपने हिसाब से पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट की वही एवरेज निकाल के, और तो मेरे पास नंबर नहीं है ना, जब तक नहीं गिनोगे, पॉपुलेशन की है, मैं एक एक की बताऊं, टाइम लगेगा, मैं डिवीजन वाइज बता देता हूं, लाड़काना डिवीजन इन्होंने हमें काउंट किया है 8.167 मिलियन पीपल, मेरे हिसाब से लाड़काना डिवीजन इज 8.736 मिलियन पीपल, सक्कर डिवीजन को इन्होंने काउंट किया है 6.72 मिलियन, 7.4 है, यानी 5-6 लाख कम काउंट।